नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ शेख है। मैं भिवंडी थाना ज़िले के भिवंडी शहर का रहने वाला हूँ। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी बात शेयर करने के लिए, और उम्मीद है आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और दूसरे ज़रूरतमंदों तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे। दोस्तों, मैं किसी मंदिर या मस्जिद के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए हाज़िर नहीं हुआ हूँ। मैं जो हाज़िर हुआ हूँ सर, एक बीमारी के विषय में आपसे बात करने के लिए, जो हमारे बीमारी की ऐसी चीज़ है जो किसी जात धर्म किसी का बंधन नहीं रखती, हर किसी को एक सा अटैक करती है। कैंसर, कैंसर जब हम सुनते हैं तो दोस्तों हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैंसर एक भयानक बीमारी है, और भगवान ना करे, खुदा ना करे, ये किसी को हो, आपके प्रियजनों में किसी को हो। लेकिन इस भयानक बीमारी से मैं और मेरा परिवार जूझ रहा है। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ मार्च में, तो मेरी माताजी, जो जिनकी उम्र कम से कम 64 वर्ष की है, उन्हें गले में, नेक में यहाँ पर कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो लास्ट स्टेज में था। डॉक्टर ने कहा कि 90% ऑपरेशन करके उनकी ज़बान निकालनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था। ऑपरेशन के लिए अभी डॉक्टर ने कहा जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होगा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। इमीडिएट कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए कहा गया मुझसे, मैं घबरा गया। मैंने अपने घर वालों से, अपने मामा लोगों से अपनी मम्मी की बीमारी के बारे में उनसे शेयरिंग की, तो मामा के किसी एक दोस्त ने उन्हें एडवाइस की कि आप आयुर्वेद के लिए जाएं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो प्राचीन युगों से, जिसका लाभ हमेशा मनुष्य जाति, ह्यूमन बीइंग जो है वो उठाता आ रहा है, बट हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि समझ सकते हैं छोटी मोटी सर्दी बुखार हो तो हम आयुर्वेद के लिए जाएं, बट कैंसर जैसी बीमारी और आयुर्वेद, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी बचा नहीं था। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, दोस्तों आप देख सकते हैं ये वन औषधि, जो कि वाशिंद में, थाना डिस्ट्रिक्ट के वाशिंद शहर में, गांव में एक वन औषधि है, उन्होंने वहां का मुझे रिकमेंडेशन दिया। डॉक्टर सचिन भोईर करके वहां के जो डॉक्टर हैं, वो उन्हें वन औषधि के वो जो हेड है, चीफ है, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उन्हें सारी रिपोर्ट सेंड की। रिपोर्ट सेंड करने के बाद उन्होंने कब तकरीबन 8 दिन उस रिपोर्ट को स्टडी किया, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी माताजी को मेरे पास ले आए और हम उनका उपचार, उनका इलाज चालू करते हैं। यकीन जानिए दोस्तों, मेरा यकीन तो नहीं था, बट मरता क्या ना करता, मैं अपनी माँ को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता था। पैसा जितना चाहे, मैं अपने आप को बेच कर भी पैसा लगाने के लिए तैयार था, लेकिन आप समझिए 90% ज़बान का हिस्सा काटना, और वो यहाँ से नेक में एक पाइप डालते थे, तो वो किस तरीके से सरवाइव कर सकती थी वो आप बेहतर समझ सकते हैं, और मैं किस तरीके से झेल रहा था ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना प्राचीन जो आयुर्वेद का, हमारा जो भारत का महान युगों युगों से चलता आ रहा है, मैं क्यों ना उसका लाभ उठाऊँ। डॉक्टर्स भी तैयार नहीं थे लॉकडाउन के चलते हुए उनका ऑपरेशन करने के लिए, उन्हें कीमोथेरेपी देने के लिए तक भी डॉक्टर्स तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, मैंने ये डिसीज़न किया कि मैं आयुर्वेद के लिए जाऊंगा। आप यकीन जानिए, मार्च में ये जो नेक होता है यहाँ पे, इतना बड़ा मेरी मम्मी को ट्यूमर हो गया था कैंसर का, उन्हें ब्रेन तक फैल गया, उनके रीढ़ की हड्डी तक फैल गया वो कैंसर। माँ मेरी पानी पीने के लिए भी एकदम तिलमिला जाती थी, वो बेचैनी देखकर मुझसे भी ना खाया जाता था ना पिया जाता था, मैं बहुत परेशान था। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और आयुर्वेद के लिए जाने के लिए मेरी माँ को उस वन औषधि में डॉक्टर सचिन के पास में ले गया। मैं आपको कार्ड शेयर करता हूँ, देखिए ये कार्ड है डॉक्टर सचिन का, मैं उनका नंबर्स भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप इस कार्ड के ज़रिए, आप इस कार्ड को बेहतरीन तरीके से देखिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब इस कार्ड में दिया हुआ है। डॉक्टर सचिन ने मुझे भरोसा दिलाया कि साहब आप बेफिक्र रहिए, आप कीमोथेरेपी स्टार्ट मत कीजिए, हम आयुर्वेद की दवाई हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सिंपल मुझे 2-4 काढ़े दिए और उसे रात में भिगा कर सवेरे भूखा पेट मम्मी को पिलाने के लिए दिया।
बिलीव कीजिए ये चौथा महीना है, चौथा महीने में ये जो यहाँ पे ट्यूमर था वो 60% रिड्यूस हो गया और मेरी मम्मी अपने हाथ से खाना पीना खाना चालू करी। दोस्तों इट्स एन शॉकिंग, एक ये वरदान है मेरे लिए कि मेरी माँ आज अपने हाथों से खा रही है, आज वो जिंदा हैं। वरना ऑपरेशन के बाद तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी उनकी ज़िंदा रहने की। ना ही सिर्फ कैंसर दोस्तों, वन औषधि में हार्ट अटैक जैसी बीमारी, यूरिक एसिड बढ़ जाना, डायबिटीज़, अस्थमा, स्टोन का होना, बवासीर, औरतों के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मैंने देखा वहां बैठ के काफ़ी लोग उनके पास आते हैं और आयुर्वेद की दवा से वो शिफा पा रहे हैं, अपनी जो बीमारियां हैं उसे दूर कर रहे हैं। सचिन भोईर उनका एड्रेस है, मैंने आपको कार्ड में शेयर किया है, उनका फ़ोन नंबर है 9552971077। आई रिपीट 9552971077। उनका एड्रेस है वन औषधि आई कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर बिसाइड दीपक स्टोर वाशिन ईस्ट तालुका शाहपुर डिस्ट्रिक्ट थाने। दोस्तों मैंने इसलिए इस वीडियो को आज पहली बार बनाया है क्योंकि एक ह्यूमैनिटी के लिए शेयर करना, इंसानियत के लिए मैंने शेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। और मैं चाहता हूं कि आप भी, हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस, फालतू वीडियोस हैं वो शेयर करते रहते हैं धर्म के नाम पर, लोगों के फंसावे के नाम पर, छलावे के नाम पर, लेकिन ये जो वीडियो मैंने आपको वीडियो मैंने पोस्ट कर रहा हूँ उसे आप शेयर कीजिए खिदमत खल्क के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के जज्बे के लिए, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो जाकर वन औषधि से आयुर्वेद का लाभ उठा सके और अपनी बीमारियों को दूर कर सके। मेरी माता जी आज बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत खुश हूँ वन औषधि से, थैंक्स टू डॉक्टर सचिन और डॉक्टर उमेश भी वहाँ उनके जोड़ीदार हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ उनके जज्बे को कि उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेटिव किया। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ही वाजबी है, समझ लीजिए मुझे उन्होंने इतना कंसेशन दिया, मुझे जब डॉक्टरों ने बताया था लैक्स ऑफ रुपीज़, लाखों रुपया मेरी मम्मी के ऑपरेशन में लगेगा और केमोथेरेपी में, उसके बाद ये लगेगा, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, आप यकीन जानिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेरे आयुर्वेद की दवा का। इससे अच्छी बात और क्या होगी, इससे बेहतरीन इलाज क्या होगा। देखिए ज़िंदगी और मौत तो बेशक ऊपर वाले के हाथ में है, हम विविध भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले हैं, भिन्न भिन्न धर्म से हमारा रिश्ता है, हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो किसी न किसी धर्म को हमें मानना होगा, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी का मालिक जो है वो ऊपर वाला है। बेशक हमें इलाज करना चाहिए, मौत तो बरहक है, आनी है, लेकिन मौत से पहले मौत को गले लगाना ये अक्लमंदी नहीं है। दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छा तजुर्बा लिया है अपनी माताजी के लिए, अपनी माँ के लिए, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है दोस्तों क्योंकि मुझे डिटेल में बताना था अपनी परेशानियों को। आप मेरे चेहरे पर खुशी देख सकते हैं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं, मैं आज कितना खुश हूँ अपनी माताजी के लिए, अपनी माँ के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ वो माँ होती है। और उनकी बीमारी के लिए मैं इतना परेशान हो गया था दोस्तों कि ना काम में दिल लगे, ना खाने में दिल लगे। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ज़रूरतमंद है जो इस बीमारी से जूझ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वन औषधि का लाभ उठाएं और डॉक्टर सचिन से कांटेक्ट करें। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दिला दूंगा। मेरा नाम है अल्ताफ शेख, मेरा फ़ोन नंबर है 8879775835। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 8879775835। मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ तो मैंने इस अवसर का बहुत अच्छा लाभ उठाया है और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो बेचारे अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई डॉक्टरों के पीछे लुटा रहे हैं और ये लुटेरे डॉक्टर्स हमें लूट रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जो
भारत की प्राचीन सभ्यता है, जो आयुर्वेद है, हम उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम।